जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत गुदड़ी बाजार में मॉर्निंग वॉक पर निकले जन वितरण प्रणाली के डीलर मोहम्मद सोराब को स्थानीय बदमाश मोहम्मद चांद ने गोली मार दी। गोली डीलर के गाल में लगी है। गोली की आवाज सुनकर स्थानीय लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई। वहीं लोगों ने घटना की जानकारी नाथनगर थाना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची नाथनगर थाना पुलिस ने घटना की सूचना पर पहुंचे परिजनों की मदद से घायल को इलाज के लिए भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों के द्वारा उन्हें खतरे से बाहर बताया जा रहा है। पुलिस ने मौके से खोखा भी बरामद किया। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक चांद का गुदड़ी बाजार में काफी आतंक बढ़ गया है। आए दिन दुकानदारों से रंगदारी वसूलने को लेकर गोलीबारी और मारपीट की घटना को अंजाम दिया जाता है। आज हुई घटना को लेकर स्थानीय करीब एक दर्जन से ज्यादा दुकानदारों ने दुकान को बंद कर अविलंब बदमाश की गिरफ्तारी को लेकर विरोध जताया। इस घटना से नाथनगर गुदड़ी बाजार के दुकानदारों में काफी दहशत है। घायल जन वितरण प्रणाली के डीलर मोहम्मद सोहराब से परिजन मोहम्मद गुलाम मुस्तफा ने बताया कि मोहम्मद चांद के द्वारा आए दिन इलाके में दुकानदारों से रंगदारी वसूलने की बात की जाती है। वहीं दुकानदारों के द्वारा विरोध जताने पर उन्हें गोली मारने की धमकी दी जाती है। इस पर मोहम्मद सोहराब, जो कि मेरे ससुर जी हैं, उनके द्वारा उसे समझाया गया। उन्होंने कहा कि मोहम्मद चांद के द्वारा सोहराब से भी 5 लाख की रंगदारी मांगी गई। रंगदारी नहीं देने पर आज उन्हें गोली मार दी गई है। घटना के बाबत नाथनगर थाना पुलिस ने बताया कि घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मौके पर से खोखा भी बरामद किया गया है। आज ही सब आज 4 दिन पहले जो है तो उनको समझाया गया था कि काहे बाजार के दुकानदार के साथ ऐसा करते हो, और समझाने के बाद 2 दिन के बाद जो है परसों समझाए, आज मैं सुबह उठ कर। कौन चांद? कौन है चांद? चांद मोहल्ले का है, ऐसा बदमाशी करता है। आज क्या किया है? आज गोली मार दिया सोहराब को। सोहराब का क्या चीज़ का दुकान है? उसका डीलर है। पहले डीलर है, तब बाजार मालिक है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार व बिहार विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में आगामी 9 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कई केसों का निष्पादन किया जाएगा। इस केस में निष्पादन में कोई शुल्क नहीं लगता है। वहीं कई विभाग के द्वारा लोगों को पहले से सूचना दी जा चुकी है। बिजली, जमीन, परिवार मामला, रेलवे सहित कई मामलों का निष्पादन इस राष्ट्रीय लोक अदालत में निःशुल्क किया जाता है। इसको लेकर कई विभाग ने बैठक भी की है। वहीं राष्ट्रीय लोक अदालत में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम रहेंगे। इसको लेकर आज जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव के कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि इस बार भागलपुर में 17 बेंच, कहलगांव में 2 बेंच और नवगछिया में 6 बेंच बनाकर केसों का निष्पादन किया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि इस बार भागलपुर सिविल कोर्ट में पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी मौजूद रहेंगे। और इसमें ढेर सारे जो क्रिमिनल कंपाउंड केसेस हैं, जो CRPC के हिसाब से जो है, जो पक्षकार आपस में मिल बैठ के समझौता कर सकते हैं, इन केसों का निस्तारण जो है पक्षकार आके बिना किसी एडवोकेट की सहायता से, बिना कोर्ट फीस दिए आके कर सकते हैं। जो इस लोक अदालत की यही खूबसूरती है कि उनका सारा प्रोसीडिंग यहीं समाप्त हो जाएगा, इसके बाद उनको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगा। इसके अतिरिक्त जो है कि मोटर व्हीकल एक्ट से एक्सीडेंट से संबंधित जो केसेज हैं, वो भी आके इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिल बैठ के यहाँ पे समझौता कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बिजली से संबंधित जो मामले हैं, ढेर सारे बिजली के जो केसेस पेंडिंग हैं, बिजली चोरी के मामले, वो भी यहाँ बिजली विभाग के लोग रहेंगे। यहाँ के कंपाउंड जो कंपाउंडिंग मनी जो विधि के अनुसार है, अकॉर्डिंग टू लॉ है, वो जमा करके यहाँ पे तत्काल उसका खत्म करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो कुछ राजस्व संबंधित मामले हैं, जो प्रशासन के सहयोग से अपना आपस में कंपाउंड करके और फिर जमा कर सकते हैं। जो रेलवे के मैटर्स हैं, वो भी यहाँ पे देखे जाएंगे जो है। और इसमें 25 बेंच का गठन किया गया है, जिसमें 17 बेंच जो है कि व्यवहार न्यायालय भागलपुर में किया गया है, और 6 बेंच का गठन नवगछिया में किया गया है, और साथ में 2 बेंच का गठन कहलगांव में किया गया है जो है। तेलंगाना के नवनिर्वाचित सीएम रेवंत रेड्डी ने बिहार के डीएनए को लेकर विवादित बयान दिया है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना का डीएनए बिहार से अच्छा है। बिहार के डीएनए पर तेलंगाना सीएम के बयान को लेकर बिहार में सियासी बवाल शुरू हो गया है और बिहार के सभी नेता इस बयान की आलोचना कर रहे हैं। वहीं विवादित बयान को लेकर बीजेपी भागलपुर इकाई के कार्यकर्ताओं ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री का पुतला फूंका और उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि बिहारियों से माफी मांगे, वरना आंदोलन तेज होगा। इतना ही नहीं, बीजेपी के लोगों ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वो लोग भी मंच पर मौजूद थे, फिर भी उन लोगों ने इस पर संज्ञान नहीं लिया, यह कहीं से भी सही नहीं है। आज जो हम लोग भारतीय जनता पार्टी भागलपुर में सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अध्यक्ष जी के द्वारा के नेतृत्व में हम लोगों ने पुतला दहन किया, जो कांग्रेस के नेता
जिस तरह का बिहार के लोगों के बारे में टिप्पणी दे रहे हैं, ये उनके मानसिक संतुलन के खोने का सबूत देता है। अगर आप भी बिरयानी के शौकीन हैं तो भागलपुर के बिरयानी महल में जल्द से जल्द आएं, क्योंकि यहां कोलकाता के स्वाद की बिरयानी के साथ साथ कबाब, चिकन, मटन के कई स्वादिष्ट व्यंजन उपलब्ध हैं। यह बिरयानी महल मुजफ्फरपुर पटना के बाद अब भागलपुर में भी खुल गया है। भागलपुर में बिरयानी महल का विधिवत उद्घाटन पटना बिरयानी मंडल एंड फूड प्राइवेट लिमिटेड पटना के डायरेक्टर मोहम्मद बाबर खान, कबीर, जितन देव, प्रवीण सिंह कुशवाहा ने सामूहिक रूप से फीता काटकर किया। वहीं उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान शहर के कई गणमान्य शिक्षाविद, चिकित्सक व व्यवसायी वर्ग के लोग मौजूद थे। भागलपुर के बिरयानी महल के संचालक ने कहा, आप लोगों ने भागलपुर में या फिर और भी जिलों में बिरयानी का स्वाद चखा होगा, लेकिन भागलपुर में खुले इस बिरयानी महल में बिरयानी का स्वाद आपको लजीज और स्वादिष्ट मिलेगा। कोलकाता के पैटर्न पर बिरयानी का स्वाद दिया गया है। हमारा ब्रांचेज मुजफ्फरपुर में है, पटना में है, पटना में 2-3 ब्रांचेज है, भागलपुर के लिए फर्स्ट ब्रांच है, और ये जो टेस्ट है वो हमारा कोलकाता टेस्ट है, जो भागलपुर में बहुत सारे लोग दे रहे हैं, पर एक रियल टेस्ट जो कोलकाता बिरयानी का होता है वो आपको यहाँ अवेलेबल मिलेगा। और उम्मीद करते हैं कि अगर यहाँ और भी अच्छा रहा तो भागलपुर में और भी हमारा ब्रांच खुलेगा आप लोगों के सहयोग से, सर के सहयोग से। मीनू में बिरयानी है, कबाब है, तंदूरी चिकन है, चिकन फ्राई है, मलाई कोफ्ता है, बहुत सारे आइटम है। बिरयानी माल में जैसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि अगर बाकी लोग बिरयानी देते हैं तो उनमें लगता है डबल पीस आता है छोटा छोटा, और हमारा जो बिरयानी होता है एक प्लेट बिरयानी में सिंगल पीस यानी हाफ मुर्गा होता है, तो ये हमारा स्पेशली है जो बाकी लोग बिरयानी में यूज़ नहीं करते। हमारा जो भी मटेरियल होता है वो पूरा कोलकाता मटेरियल होता है, A to Z, मसाला हो, चावल हो, एनीथिंग कुछ भी होगा, वो सारा मटेरियल हमारा कोलकाता का होता है, यहाँ का हमारा कुछ भी नहीं है। बिरयानी महल का उद्घाटन हुआ और शहर में बिरयानी की बहुत सारी दुकानें हैं और महल जो है ये पहला है, भागलपुर को महल मिला, ये सौभाग्य की बात है। बिरयानी महल अभी आप देख रहे हैं, पटना से सारे लोग आए हुए हैं, पटना साहिब से सारे लोग आए हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो हम चाहेंगे कि भागलपुर के लोग इनका लुत्फ उठाएँ और बहुत मज़ेदार बिरयानी खाने का मौका मिला है आपको, आप आइए। भागलपुर के कहलगांव में स्थित प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय को लेकर एक बार फिर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में मुद्दे को उठाया। पैतृक गांव विक्रमशिला होने के नाते निशिकांत दुबे ने लोकसभा में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के गौरव को वापस लौटाने की मांग की है। विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय का अब तक निर्माण नहीं होने का जिम्मेदार उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश को ठहराया है। सांसद ने कहा कि सभी नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कहते हैं कि ये बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, मेरी नालंदा यूनिवर्सिटी से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मेरा यह कहना है कि नालंदा विश्वविद्यालय से बड़ा मेरे गांव का विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। वहां जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बोर्ड लगा है वो यह कहता है कि 6वीं और 7वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय का कोर्स विक्रमशिला विश्वविद्यालय गाइड करता था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय दुनिया की सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय ने देश का पहला वाइस चांसलर भगवान आतिश दीपंकर को बनाया। सांसद ने कहा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम पैकेज में 2015 में 400 करोड़ रुपए दिए, लेकिन बिहार सरकार ने आज तक पिछले 9 साल से वहां जमीन नहीं दी। मेरा आग्रह है कि बिहार सरकार के ऊपर दबाव बने, दुनिया को विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में बताई। जब 1189 में विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी जला रहा था, उसी साल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बन रहा था। हमारी सभ्यता, संस्कृति और विचार इतने बड़े थे कि पश्चिम देश हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय फिर से बने। हम आपको बता दें कि 8-9 साल पूर्व पीएम मोदी ने विक्रमशिला प्राचीन विश्वविद्यालय के भग्नावशेष के समीप केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण की घोषणा की थी, जिसके बाद उन्होंने इसके निर्माण के लिए राशि भी आवंटित की। राज्य सरकार से जमीन चिन्हित कर प्रस्ताव भेजने को कहा गया था। कई बार केंद्रीय टीम ने भी 4 मौजा के जमीन को देखा था। अंत में अब मलकपुर मौजा को जमीन चिन्हित किया गया है। जिलाधिकारी ने जमीन का प्रस्ताव भेजा है।
लोकसभा सदन में गुरुवार को गोड्डा झारखंड के सांसद निशिकांत दुबे ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय निर्माण और बिरसा मुंडा के सम्मान में बयान दिया था कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण बिहार सरकार नहीं होने दे रही है और बिरसा मुंडा का जन्मदिन भी नहीं मनाया जाता, इससे आदिवासी समाज को ठेस पहुंचती है। इसी को लेकर आज जदयू के प्रदेश प्रवक्ता शिशुपाल भारती ने प्रेस वार्ता कर कहा कि गोड्डा के सांसद ने जो बयान दिया है वह बेबुनियाद है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण केंद्र सरकार को करना है, इसमें सिर्फ बिहार सरकार को जमीन मुहैया करानी थी। बिहार सरकार ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए 3 जगह पर जमीन भी चिन्हित की है, जिसको लेकर केंद्रीय जांच टीम भागलपुर पहुंची और जमीन को देखा, जिसमें एक जगह की जमीन को चिन्हित किया गया है जहां पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण होना है, लेकिन आज तक केंद्र सरकार ने राशि मुहैया नहीं कराई है। यह कहना चाहता हूं, उन्होंने बताया कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए 2015 में ही केंद्र में बैठी भाजपा समर्थित सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा किया। उस समय घोषणा 500 करोड़ रुपया का उन्होंने किया था, लेकिन वो सिर्फ घोषणा था। और इन्होंने जो कल बात कही है कि 400 करोड़ रुपया आवंटन किया गया बिहार सरकार को और बिहार सरकार ने आज तक विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं कराया। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ पूरे देशवासियों को, बिहार वासियों को, और उनको भी, उनकी भी जानकारी बढ़े, इस उद्देश्य से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब केंद्र में बैठी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 500 करोड़ रुपया की घोषणा की, तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए बिहार सरकार ने 3 जगह पे जमीन उपलब्ध दिखाते हुए उसका पत्र बनाकर पत्र के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजने का काम किया। और उसमें केंद्र सरकार के द्वारा टीम भी आई, 11 सदस्यीय टीम आई, उन्होंने जाँच किया, एक जमीन को उन्होंने उसके लायक नहीं बताया और दूसरा जो प्लॉट था उसको उन्होंने विश्वविद्यालय बनने के लायक चयनित किया। उसके बाद आज तक केंद्र सरकार से बनाने की प्रक्रिया में आगे किसी प्रकार का कोई प्रक्रिया आगे नहीं अपनाया गया और आज आरोप लगा रहे हैं कि बिहार सरकार के द्वारा जमीन उपलब्ध नहीं कराया गया, चूँकि जबकि ये जो काम होना है वो केंद्र सरकार के ही एजेंसियों के द्वारा होना है और उन्हीं के एजेंसियों के द्वारा केंद्र सरकार एजेंसी को पैसा देगी और एजेंसी यह काम करेगी। इसमें बिहार सरकार की भूमिका सिर्फ इतना ही था कि जमीन चयन करके दे देना और उन्होंने उपलब्ध करा दिया और निःशुल्क करा दिया। तो इस तरह की बातें जो बिहार से बाहर के सांसद, जो झारखंड के सांसद हैं वो करते हैं, ये बिल्कुल ही निंदनीय है। इसकी मैं निंदा भी करता हूँ और आपके माध्यम से देशवासियों को, बिहारवासियों को बताना भी चाहता हूँ। साथ ही साथ उन्होंने बिरसा मुंडा साहब पे कहा है कि देश में जो लोकसभा में उनके पहले जब वो सांसद बन के गए तो उनके पहले इस तरह के प्रतिमाओं पे, स्वतंत्रता सेनानियों पे, देश के महान पुरुषों के बारे में किसी प्रकार का कोई चर्चा लोकसभा में नहीं होता था। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि पूरा देश अपने महापुरुषों को जानता है और जयंती मनाते हैं और पुण्यतिथि मनाते हैं। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि उनके लोकसभा में सदस्य बनने के बाद ही ऐसी परंपरा चालू हुई है, ये पूर्व से ही है। तेलंगाना के नवनिर्वाचित सीएम रेवंत रेड्डी ने बिहार के डीएनए को लेकर विवादित बयान दिया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना का डीएनए बिहार से अच्छा है। बिहार के डीएनए पर तेलंगाना सीएम के बयान को लेकर बिहार में सियासी बवाल शुरू हो गया है और बिहार के सभी नेता इस बयान की आलोचना कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच भागलपुर में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण सिंह कुशवाहा ने कहा कि इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। भाजपा के नेता को अब बस एक ही काम बचा है, किस तरह दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री और नेता का बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करना। ऐसा तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री ने नहीं कहा है, इसे लोग गाली समझ रहे हैं, लेकिन यह बिहार के लिए सबसे बड़ी बात है। भाजपा के नेता सिर्फ अब वोट बैंक की राजनीति कर रही है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, जनता सब समझ रही है। भागलपुर जिला अंतर्गत नाथनगर थाना क्षेत्र के कस्बा निवासी बीबी मनीषा ने अपने देवर इब्रान उर्फ चांद पर गला दबाकर हत्या करने का प्रयास का केस दर्ज कराया। बीबी मनीषा ने पुलिस को दिए बयान में बताया है कि बीते 5 दिसंबर की रात करीब 10:30 बजे मैं कस्बा स्थित अपने ससुराल में थी। उसी समय मेरी सास और मेरा देवर किसी बात को लेकर नोकझोंक करने लगा। धीरे धीरे बात आगे बढ़ गई। चांद बाल पकड़कर घसीटते हुए मुझे कमरे में ले गया और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। जमीन पर पटक कर दोनों हाथ से जान से मारने की नीयत से मेरा गला दबाने लगा और मैं
मैं बेहोश हो गई। मुझे मरा हुआ समझकर वह वहां से भाग गया। मेरे पति सहित अन्य स्वजन ने मुझे इलाज के लिए JLNMCH में भर्ती कराया। डॉक्टर ने दिल्ली जाकर देखा, इलाज कराने की सलाह दी। इस संबंध में नाथनगर इंस्पेक्टर राजरतन ने बताया कि महिला के लिखित बयान पर केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी की छापेमारी की जा रही है। हम लोग जब रात में यहाँ से 10:30 बजे 11 बजे 12 बजे गए, लगभग 12 से 12:30 बजे तक में, तो मेरी भतीजी को सोई हुई थी बिल्कुल दम लार पार, मतलब कि कोई उसको देखने वाला नहीं था। उसकी सास भी वहीं पर थी और उसका दूल्हा बाहर में था। उसका देवर चैलेंज ठोक रहा था कि हाँ मैं मारा हूँ, जाओ जो करना कर लो। देवर का क्या नाम है? देवर का वही चांद उर्फ चांद और इब्रान। किस मैटर को लेकर झगड़ा हुआ था? किस बात? मैटर वही था जो भी उसकी बहन बोल रही थी क्या? कि थोड़ा ये भोज खाने जा रही थी दावत में, मेरी भतीजी और उसका दूल्हा दोनों। तो हाँ। उससे जब बोला गया तो गैस खत्म हो गया था, तो गैस के मामले में उसकी माँ उससे झगड़ा करने लगी। तो उस टाइम हो रहा था 9 बज रहा था, तो हम लोग जाके समझा बुझा के आए, फिर हम लोग सो गए। तो मेरे घर से कहीं दावत था तो सब दावत में चले गए। तो हम जो घर में सोए हुए थे, तो मेरी बहन एक वहाँ पर है जो सज्जाद, अभी नाम हम दिए वहाँ पर, तो उसकी आए घर में, मेरे बहन आई कि देखो वहाँ भतीजी को मार के गिरा दिया। तो जब हम लोग गए तो चांद का थोड़ा अल्फाज गलत निकल रहा था, चांद पे उर्फ इब्राहिम, तो उसका अल्फाज थोड़ा गलत निकल रहा था। बोला जो करना कर लो। तो फिर हम जो उसका दूल्हा था, हम उसको बोले कि आप जो हम मेरी बेटी को ऐसे लाए थे, शादी ब्याह करके लाए थे ना अच्छे से, आप ऐसे कैसे मार के सुला दिए हैं। तो फिर वहां से उठा करके डायरेक्ट हम थाना ले गए थे। तो वहां मतलब काम नहीं हुआ था रात में, रात बड़ा हो गया था। हम दवाई दारू करके जो स्थिति अभी है वो आप